Welcome back dear students, in geography आपने बाया तो online classes and here we are discussing polity. Dear students, इससे पहले हमने जो वीडियो किया था, जो लेक्चर दिया था हमने, उस पर हमने चर्चा की थी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों सही है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों सही नहीं है, उस पर हमने चर्चा की. और कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, हमने उस पर भी चर्चा करी. साथ ही साथ हमने आर्टिकल 56 पर भी चर्चा किया. तो इस आधार पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56 और टुगेदर विद आर्टिकल 58 हमने इन आर्टिकल्स पे चर्चा कर ली. अब जो हमारा आगे का जो आज का लेक्चर है, इस पर हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 57 पर, फिर उसके बाद आर्टिकल 59 और 60 पर चर्चा करेंगे, फिर 61 तक हम रोकेंगे, क्योंकि 61 जो है आपका एक राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसे आराम से समझने की आवश्यकता भी है. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें हम राष्ट्रपति डिस्कस कर रहे हैं और राष्ट्रपति के अंतर्गत हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लिए हैं. तो आइए बात करते हैं कि भाई राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, जैसे कि आर्टिकल 57 के अंतर्गत जो पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता है, ये क्या है कि क्या राष्ट्रपति जो आपके देश का राष्ट्रपति है वो क्या कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन कि कितनी बार ये राष्ट्रपति के तौर पर चुने जा सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा अमेरिका में बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे, सेकेंड टर्म के लिए जो प्रेसिडेंट चुने गए, तो आप देखेंगे सेकेंड टर्म के बाद ही उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि अगर वो चुनाव में उठे होते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या बिल्कुल सियोरिटी थी कि वो चुनाव फिर से जीत जाते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा कि उनकी लोकप्रियता अभी वर्तमान में भी आप देखें तो उनकी लोकप्रियता बहुत है और उस समय भी उनकी लोकप्रियता बहुत थी. फिर आप सोचेंगे भाई क्यों ऐसा हुआ कि बराक ओबामा साहब जो है फिर से इलेक्शन के लिए नहीं उठे, और भाई इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट, इतना पावरफुल, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल जो है वो पद है, उस पद के लिए उन्होंने फिर से क्यों अपनी जो है अपने निर्वाचन के लिए जो है अपना अपनी उपस्थिति को दर्ज नहीं कराया कि भाई हम भी जो है यहाँ पे फिर से राष्ट्रपति पद के लिए जो है क्या कर रहे हैं, उम्मीदवार के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि वो आसानी से इलेक्शन जीत सकते थे. ऐसी मतलब उनके देखा जाए तो फेवर में लोगों की धारणाएं थी कि ये एक अच्छे प्रेसिडेंट हैं, तो ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने. भाई हमारे देश में तो ऐसा होता कि भाई अगर चांसेस हैं तो तुरंत जीत मतलब उठ जाते हैं जीतने के लिए. बस देखते हैं कि आप कई कई लोकसभाओं पे तो कई कई राजनेता ऐसे होते हैं जो कई साल, कई बार, छः छः बार, सात सात बार, आप सुमित्रा महाजन को देखें जो हमारी एक समय लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो भी अपने मतलब लोकसभा क्षेत्र से कई बार, मुझे लगता है 6-7 बार जीत चुकी हैं. आप इनको देखें जो अभी वर्तमान में यूपी के CM है, भी अपने लोकसभा से काफ़ी बार जीत चुके हैं. इसे मतलब कई लोग हैं जो कई बार जीतते रहते हैं. ठीक है, और प्रधानमंत्री के तौर पर भी आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक रहे, इंदिरा गांधी की बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक रही. ठीक है, हम बात करें हम तो अभी वर्तमान में आप देखें तो मनमोहन सिंह वो भी 2 बार रहे. ठीक है, अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. तो हम मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि क्यों फिर अमेरिका में फिर ऐसा हुआ कि भाई उसके बाद बराक ओबामा क्यों नहीं. देखिए, दरअसल समस्या ये है अमेरिका में कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार से ज़्यादा उसके लिए टर्म जो है उसके संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि आप 2 बार से जो है 2 बार के बाद से आप राष्ट्रपति नहीं चुने जा सकते हैं. मतलब मैक्सिमम आपको राष्ट्रपति के तौर पर 2 टर्म्स मिलते हैं. ठीक, 2 बार ही आप राष्ट्रपति के तौर पर चुने जा सकते हैं, उसके बाद आप राष्ट्रपति के तौर पर चुने नहीं जा सकते हैं. यहाँ पे एक लिमिटेशन है अमेरिका में, इसलिए वहाँ पे दोबारा तीसरी बार जो है चुनाव में नहीं उतरा जा सकता है. लेकिन भारत में बात करें अगर, तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं होती है. मतलब ये कि आप जीते इस बार, 5 साल आप रहें, फिर उठिए चुनाव में, फिर जीत सकते हैं तो जीतिए, फिर 5 साल रहेंगे, फिर मन कर रहा है कि नहीं अभी एक बार और रहना चाहिए, फिर उठिए, फिर जीत सकते हैं जीतिए, फिर एक बार रहिए. मतलब 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल अगर आप जीत सकते हैं तो फिर आप रहिए. आपके लिए कोई भी पुनर्निर्वाचन की जो है समय सीमा नहीं कि नहीं ठीक है आप इतनी बार हो चुके राष्ट्रपति, अब भाई बहुत हो गया, दूसरों को भी मौका दीजिए, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, आप चाहें तो मौके को अपने पास ही परमानेंट जब तक कि आप जिंदा हैं उसको रिजर्व रख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे कोई कानून नहीं रिजर्व रख सकते हैं आप. यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर आप जीत पाते हैं तभी, ठीक है, मतलब अगर लोगों में आपका विश्वास, लोगों का आप में विश्वास है तभी आप जो यहाँ पे जीत पाते हैं, क्योंकि हमेशा हर बार जरूरी नहीं कि समय जो है जैसा रहे और लोगों आप भी लोगों के लिए उतने ही मतलब लोकप्रिय रहे. ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है. तो इस प्रकार से देखिए जो राष्ट्रपति के हमारे संविधान में जो आर्टिकल 57 कहता है कि भाई पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं, मतलब एलिजिबिलिटी फॉर रीइलेक्शन की बात करें तो फिर यहाँ पे नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं, आप जितनी बार जीत सकते हैं आप जीतिए. ठीक है, ये एक अच्छी बात है. चलिए ठीक है, बात करें अगर आर्टिकल 59 के अंतर्गत, देखिए राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों को क्या है बात कर लेते हैं. मतलब शर्तें क्या हैं, एक समझ ले तो एक शर्त भी कह सकते हैं इसे, और फिर कह सकते हैं भाई कुछ फायदे हैं, मतलब कुछ इस पद से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, कुछ स्कीमें हैं जो आपको मिल जाती हैं. क्या है बात करेंगे, कैंडिडेट्स कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस. आइए बात करें, सबसे पहली बात करना है कि भाई राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा. ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण शर्त है.
और इसमें कहा जाए कि यदि सदस्य है तो राष्ट्रपति के पद ग्रहण से वह पद रिक्त माना जाएगा। मान लीजिए कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा का हो, किसी भी सदन का सदस्य है राष्ट्रपति, तो उसमें ये देखा जाएगा कि भाई जिस समय राष्ट्रपति ने पद अपने राष्ट्रपति के तौर पर अपना पद ग्रहण किया है, ठीक उसी समय से जिस भी सदन का वो सदस्य रहा है वो पद उसका उस सदन में रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति जबकि राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण कर चुका है, तो अब उसके बाद ऑन द टाइम मतलब उस एकदम बिल्कुल उसी समय एग्जैक्ट टाइम पर जिस सदन का भी सदस्य रहा है उस सदन की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप ध्यान रखेंगे कि पहली बात यह कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, पहली बात, और दूसरी बात अगर रहता है तो फिर जो पद ग्रहण समारोह है उसके बाद से तुरंत ही उसका पद क्या होगा, उस सदन में रिक्त माना जाएगा। ठीक है, सीधे ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया, कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूज होना चीज़ें आपके दिमाग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर। ठीक है, बात करें अगर राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये भी एक बात है, लाभ का पद कोई भी धारण नहीं करेगा। बात करें अगर तो राष्ट्रपति संसद की विधि द्वारा प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों, भत्तों, ठीक है, भत्ते मिलते हैं, उसको विशेष अधिकारों का हकदार होगा। ठीक है, उसको विशेष अधिकार होगा, निवास इत्यादि का अधिकार होगा, उसके लिए एक अलग से एक आलिशान उसको बंगला दिया जाएगा रहने के लिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार जो उसकी उपलब्धियाँ होगी वो उसको उसका अधिकार होगा अपनी उपलब्धियों को रखने का, विभिन्न भत्तों को प्राप्त करने का अधिकार होगा, विभिन्न विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार होगा, मतलब कहीं विदेश में सफर करने का, इधर उधर जाने का। ठीक है, बहुत भी कई प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं, वो आप देखेंगे बिल्कुल एक राजा जैसी जिंदगी होती है, एक किंग जैसी, मतलब आज के समय में ये चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे देश में एक राष्ट्रपति का पद है एक बिल्कुल ही उसी प्रकार की हैसियत होती है, समझ लीजिए। बस ये वो फर्क इतना होता है कि उस समय जो राजा होते थे वो मतलब इस तरह का जीवन जीते तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो जनता के द्वारा, वो जनता के लिए वो काम भी करते थे, मतलब कि एक प्रत्यक्ष तौर पे काम करते थे। लेकिन अब क्या है कि ऐसे राजा आपके देश में मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन वो जनता के लिए प्रत्यक्ष तौर पर काम नहीं करते, बल्कि एक अपने, एक देखा जाए तो अपने एक प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा वो अपने कार्य को करते हैं। ठीक है, मतलब मिला जाए कि प्रधानमंत्री यहाँ पे सर्वे सर्वा है, प्रधानमंत्री सारे कार्य करते हैं, अब वो बस एक राजा की बात ही है और बस ऊपर से निगाह रखते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करते, तो इस प्रकार से देखेंगे आपके देश में वर्तमान में भी एक ऐसी स्थिति है, तो इसलिए आप देखेंगे कभी कभी मतलब ऐसी बातें उठती हैं कि जो राष्ट्रपति का पद इसे खत्म कर देना चाहिए हमारे संविधान से, क्योंकि कोई मतलब है नहीं, प्रधानमंत्री सब कुछ है तो राष्ट्रपति यहाँ पर रखने का क्या मतलब है, राज्यपाल का पद जो है खत्म कर देना चाहिए, इस तरह के विवाद भी आपके उठते रहे समय समय पर। ठीक है, ये सब बातें हम देखेंगे बाद में, अभी मतलब इस तरह की बातें यहाँ पर उठती रही, तो इन सब चीज़ों का आधार क्या है कि मतलब काम कुछ नहीं करना है और खाना पीना इतना है। ठीक है, वही बात है, देखिए आप कोई लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसी बातें दरअसल हैं। राष्ट्रपति के पद को आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा विशेषाधिकार होते हैं, इतना बड़ा बंगला, अगर आपने कभी दिल्ली विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन कितना खूबसूरत और कितने ज़्यादा एरिया में फैला हुआ, रहने वाला एक आदमी है तो उसमें देखेंगे आप सारी सुख सुविधाएं बिल्कुल राजा के जैसे सारी चीज़ें होती हैं। कहीं अगर देखें किसी कोई समारोह इत्यादि अगर होता है तो किस पे आते हैं, बग्घी पर आते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो मतलब कई तरीके से आप देखेंगे उनका सम्मान होता है, एक महामहिम के तौर पर उनको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, देख लेते हैं, बात करेंगे अगर हम एक और उपलब्धि के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। देखिए ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए आपको, कि राष्ट्रपति की जो भत्ते उसको मिले, जो उपलब्धियाँ उसकी क्या, उसके पद के दौरान उसको कम किया जा सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, उनके पद के दौरान उसे कम नहीं किया जा सकता, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, शपथ की बात करें, राष्ट्रपति के शपथ की बात करें, शपथ क्या होता है, देखिए राष्ट्रपति अपना जो शपथ होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखेंगे, शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश को के समक्ष ग्रहण करते हैं, या फिर अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है, ठीक है, अनुपस्थित हैं, तो उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है उसमें सबसे जो वरिष्ठ होगा वो, या फिर नहीं है तो उसके बाद जो वरिष्ठ होगा वो, या फिर वो भी नहीं तो उसके बाद जो वरिष्ठ होगा वो, ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करेगा। देखिए राष्ट्रपति जो अपना शपथ होता है वो मुख्य न्यायाधीश के, मुख्य न्यायाधीश मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि इस समय आप देखेंगे दीपक मिश्रा जी हैं, तो इनके सामने अपने शपथ को ग्रहण करेंगे। और मान लीजिए अगर वो उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है, तो सदा पर देखा जाएगा कि उच्चतम न्यायालय में मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठ जज है उसके सामने, अगर मान लीजिए सबसे वरिष्ठ वाला भी नहीं है उपलब्ध है, तो उसके बाद जो वरिष्ठ होगा वो, उसके बाद जो वरिष्ठ होगा वो, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है अपना शपथ ग्रहण भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, या फिर उसके बाद देखेंगे तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश उसके क्रम के आधार पर उनके सामने जो क्या करता, ग्रहण करता। आपने देखा होगा जब रामनाथ कोविंद जी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके जो जस्टिस थे
जेएस खेर साहब थे ना, तो उन्होंने मतलब वहाँ पे वो पद और गोपनीयता के शपथ उनको दिला रहे थे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अब कुछ चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल ये 60 में दिया गया, तो शपथ ग्रहण के बाद आर्टिकल 60 में दी गई है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की पदमुक्ति की, बात करेंगे राष्ट्रपति अपने पद से कब मुक्त हो सकता है इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, देखिए दो तरीके हैं राष्ट्रपति को पद से मुक्ति के, दो तरीके। पहला तरीका कि एक तरीका तो ये है कि कार्यकाल की समाप्ति, मतलब राष्ट्रपति ने अगर 5 वर्ष का अपना टर्म जो है पूरा कर लिया है तो वो अपने पद से जो है मुक्त हो जाता है, मतलब वो अपने पद से अब जो है मतलब देखा जाए तो अपने पद से मुक्त हो जाता है। लेकिन एक बात और स्थिति एक आती है कि रिक्ति, अगर किसी भी कारणवश राष्ट्रपति के पद की रिक्ति हो जाती है, मतलब ये कि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति अपने किसी कारणवश अपने पद से त्याग पत्र देता है, या फिर उसका निर्वाचन रद्द हो जाता है किसी अनियमितता इत्यादि की स्थिति में, या फिर उसके उस पर महाभियोग चलाया जाता है, अगर ये सब स्थितियाँ पैदा होती तो उसके पद को रिक्त किया तब उसका पद रिक्त होता है, क्योंकि इन स्थितियों में राष्ट्रपति का जो पद होता है, राष्ट्रपति जो होता है अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में पद को रिक्त माना जाता है। ठीक है, रिक्त किया जाता है। और पहली स्थिति में क्या है कि कार्यकाल की समाप्ति, 5 वर्ष आराम से हेल्दी एक कार्यकाल इन्होंने पूरा किया, 5 वर्ष इन्होंने कंप्लीट किया, तो जब ऐसा होता है हमारे जब 5 वर्ष पूरा करने के बाद अपना कार्यकाल का समाप्त होता है, तो देखिए ध्यान रहे जब ऐसी स्थिति रहती तो सब पहले ही चुनाव करा लिया जाता है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव पहले ही करा लिया जाता है। जैसे कि अभी आप बात करें वर्तमान में, तो आपने देखा होगा कि प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल जिस दिन समाप्त हो रहा था, ठीक है, उसी दिन जिस दिन समाप्त हुआ उसी दिन रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिस दिन प्रणब मुखर्जी जी का कार्यकाल समाप्त हुआ उसी दिन राष्ट्रपति का चुनाव भी हो गया, नतीजे भी हो गए और फिर राष्ट्रपति पद का शपथ भी दिला दिया गया रामनाथ कोविंद जी को, ऐसा नहीं है। बल्कि ये पहले से तय था कि भाई 5 साल ये पूरा करने वाले, इस दिन को उनका कार्यकाल खत्म होगा प्रणब मुखर्जी का, तो उसके आधार पर फिर ये हुआ कि भाई इससे पहले रामनाथ कोविंद जी का चुनाव करा लेना चाहिए, और चुनाव कराया गया, पहले चुनाव कराया गया, राष्ट्रपति अगले मतलब उत्तराधिकारी के तौर पर राष्ट्रपति के ये चुन लिए गए जिस दिन आपके प्रणब मुखर्जी जी का शपथ मतलब कार्यकाल समाप्त हुआ, ठीक उसी दिन उसी क्षण देखा जाए तो रामनाथ कोविंद जी ने अपने पद का जो है मतलब प्रणबदा के उत्तराधिकारी के तौर पर अपने पद को ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो ये स्थिति कब थी, जब कार्यकाल की समाप्ति मतलब बिना किसी समस्या के होती है, 5 साल पूरा होता तब ये ऐसी स्थिति होती है कि पहले चुनाव करा लिया जाता है और फिर जब कार्यकाल उस राष्ट्रपति का समाप्त होता है तो फिर अगला राष्ट्रपति तुरंत ही वहाँ पे शपथ ले लेता है। ठीक है, लेकिन दूसरी स्थिति ये होती है कि जब राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाता है, कैसे रिक्त होता है, विभिन्न कारणों से, कौन कौन से कारण मैंने आपको बताया कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या फिर वो अपने पद से त्याग पत्र दे देता है किन्हीं कारणों, या फिर उसका निर्वाचन रद्द हो जाता है ठीक है किन्हीं कारणों, या फिर उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, तो उसका पद 5 साल से पहले रिक्त होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में इसे कहते हैं पद इनका रिक्त हो जाता है। देखिए जब ऐसी स्थिति होती है जब पद रिक्त हो जाता है, ठीक है, इन सब कारणों की वजह से, तब ऐसी स्थिति में 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। ध्यान रखेंगे आप कि तब विद इन 6 मंथ जो नए राष्ट्रपति उनका चुनाव हो जाना चाहिए, ये तो हमारा संविधान प्रावधान करता है कि भाई उसके बाद 6 महीने के अंतर अंदर राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अगर आकस्मिक कारणों की वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो फिर 6 माह के भीतर अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान प्रावधान करता है। ठीक है, तो आइए अब कुछ और बातों को देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए इनका पद रिक्त होता है आकस्मिक, तो उस समय क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति चुना तो गया नहीं है, तो कौन उनके पद को फिर ग्रहण करेगा, क्या राष्ट्रपति का पद खाली होगा, जबकि हमारा संविधान कहते हैं भाई राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जब तुरंत हमारी रिक्ति हो जाती है पद की, तो फिर कौन इनके पद को सुशोभित करता है, एक हम क्रम देखेंगे यहाँ पे। देखिए अगर रिक्ति होती, सबसे पहली बात आप ध्यान समझेंगे कि अगर राष्ट्रपति के पद की रिक्ति मतलब रिक्ति हो जाती है, रिक्ति ध्यान रखेंगे आप, रिक्ति का मतलब यहाँ पे है कि 5 साल उन्होंने टर्म पूरा नहीं कर पाया, ठीक है, और किन्हीं कारण मृत्यु या फिर इस्तीफा दे दिया, या फिर निर्वाचन में अनियमितता इत्यादि के माध्यम से निर्वाचन रद्द हो गया उनका, या फिर महाभियोग उन पर चला गया, महाभियोग क्या हम आगे देखेंगे। तो अगर रिक्ति हो जाती है पद, तो राष्ट्रपति मान लीजिए कि अब अपने पद पर नहीं है, तो तुरंत उनके राष्ट्रपति का पद को कौन धारण करेगा, उपराष्ट्रपति। अब तुरंत उपराष्ट्रपति उनके राष्ट्रपति के पद को धारण कर लेंगे। मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर कौन धारण करेगा, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस पद को सुशोभित करेंगे। ठीक है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली है, ठीक है, तो उसके बाद 31 जज जो आपके सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसमें जो 30 बाद में जो उसके बाद जो जज है 30 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें ये देखा जाए सबसे वरिष्ठ जज कौन है, तो सबसे वरिष्ठ जज फिर अगर ये मुख्य न्यायाधीश का पद खाली तो वो जाकर के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। उसके बाद मान लीजिए वो वरिष्ठ जज भी नहीं है, तो उसके बाद जो वरिष्ठ होगा, उसके बाद जो वरिष्ठ होगा, उसके बाद जो वरिष्ठ होगा, इस प्रकार से क्रम से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो क्रम से
क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करेंगे। लेकिन इसके बाद कोई नहीं, देखिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं इसके बाद कोई आए, क्योंकि आप देखें बहुत ही मतलब कुछ लोग कहते हैं भाई, आलोचक कहते भी हैं इसमें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बाद से इसमें राष्ट्रपति के पद को कौन सुशोभित कर सकता है, रिक्ति होने के केस में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं, कोई बात ही नहीं की गई। तो आप देखेंगे मतलब कितनी ही बचकाना बात है ये, कि भाई ऐसी स्थिति क्या हो सकती है क्या कि एक राष्ट्रपति नहीं है, खाली है उसका पद, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, चलिए मान लेते हैं CJI का पद खाली, ये भी मान लेते हैं ठीक। सुप्रीम कोर्ट के मान लीजिए एक न्यायाधीश, सबसे वरिष्ठ वाला न्यायाधीश, वो भी किसी कारणवश जो पद रिक्त कर दिया उसने, उसको भी मान लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी के जो 29 जज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, मतलब 29 जो न्यायाधीश हैं वो भी अपने पद से रिक्त हो जाएंगे। क्या ऐसी स्थिति आ सकती है क्या? एक बिल्कुल अकल्पनीय स्थिति है, मतलब कल्पना से परे ये, शायद ही कभी ऐसी स्थिति आए। और आप देखेंगे वर्तमान में एक ही अभी ऐसी स्थिति है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक ही बात पहुंची है, उसके आगे भी जो 30 न्यायाधीश पड़े हुए बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि हमको भी राष्ट्रपति पद के लिए कभी कभी चुना जाएगा, उनको अभी वो मौका ही नहीं मिला ठीक है। तो अभी वर्तमान में मतलब इतने साल के आप देखेंगे तो कार्यकाल में आपके राष्ट्रपति के कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश उनकी उनके आगे तक बात गई ठीक है। तो 30 उनके आगे भी 30 लोग हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 30 लोग के बाद भी जरूरत किसी की पड़ सकती है, क्योंकि 30 जबकि इन्हीं 30 की जरूरत नहीं पड़ी, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए जो आलोचक कहते हैं कि भाई इसके बाद कोई क्रम नहीं बताया गया कि क्या कौन आएगा इसी बात, तो हम कहेंगे कोई जरूरत ही नहीं इसकी ठीक है। तो हमने बात की कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस समय उस राष्ट्रपति उनके पद को धारण करेंगे, हमारे जो उपराष्ट्रपति का पद भी खड़ा होता तो खाली होता तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका भी खाली होता, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के 30 वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से क्रम से जो वरिष्ठ होगा वो पहले, उसके बाद जो कम नहीं वरिष्ठ होगा वो, इस प्रकार से चीज़ें चलेंगी। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रपति होता है इसे हम निर्वाचित राष्ट्रपति कहते हैं, क्योंकि चुने जाते हैं। जो राष्ट्रपति होता है इसे हम निर्वाचित राष्ट्रपति कहते हैं क्योंकि ये चुने जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो भी इनके पद को धारण करेगा, चाहे वो इनके पद के खाली होने के केस में, चाहे वो उपराष्ट्रपति, चाहे वो CJI हो, चाहे वो बाकी जो आपके जजेस हों, अगर वो इनके पद को धारण करते हैं तो इनको हम कहते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। इसे आप ध्यान रखेंगे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति है ठीक है, ये इलेक्टेड आपके प्रेसिडेंट है, ये फिर आपके एग्जीक्यूटिव, मतलब यहाँ पे कार्यवाहक एक राष्ट्रपति यहाँ पे ये है ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे तो ये निर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्रपति क्योंकि चुने गए, और ये फिर आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो इन बातों पे हमने देखा कि रिक्ति होती तो किस संबंध में कैसे कैसे चीज़ें जो बदलती हैं। तो देखिए कई चीज़ों को हम एकदम बिल्कुल क्लियर करते हुए चल रहे हैं, आपके मन में जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। बात करें अगर एक फैट की बात करें तो दो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का अपने कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। देखिए दो ऐसे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का अपने कार्यकाल के दौरान निधन हो गया ठीक है। जब इनका निधन हुआ तो फिर इनके बाद जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने इन पद को धारण कर लिया। तो फखरुद्दीन अली साहब के केस में तो ठीक है, नॉर्मल बात है कि उपराष्ट्रपति ने अपने पद को धारण कर लिया। लेकिन जाकिर हुसैन के केस में अगर आप देखें तो एक बात हमें इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर नजर आती है, और यही एकमात्र अभी तक घटना हुई है कि आपके CJI तक बात पहुँची है ठीक है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो हैं इन तक बात पहुँची है। तो हुआ क्या है दरअसल कि जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो आपके देश के क्या थे राष्ट्रपति थे, मई 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है ठीक। जब ऐसा मई 1969 में जिनकी मृत्यु होती है तो फिर उस समय जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे VV गिरी साहब ठीक है, इन्होंने क्या किया बतौर राष्ट्रपति एक अपना क्या किया कार्यभार को संभाल लिया ठीक है। अब एक राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने कार्यभार को संभाल लिया। लेकिन कुछ समय बाद हुआ ये कि VV गिरी को लगा कि भाई हम भी राष्ट्रपति पद के लिए अगर दावेदारी पेश करें तो हमें हमारे जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है ठीक है। तो इन्होंने लगा ऐसा, तो फिर इन्होंने क्या किया राष्ट्रपति पद में चुनाव में भाग लेने के लिए इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से क्या कर दिया इस्तीफा दे दिया। ध्यान रखेंगे आप, तो इन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया कि भाई अब हम जो राष्ट्रपति नहीं है क्योंकि हमको चुनाव में भाग लेना है ठीक है। तब प्रथम बार भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय जो थे तत्कालीन न्यायाधीश M. हिदायतुल्ला इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक क्या किया कार्य किया ठीक है। जिसे आप ध्यान रखेंगे तो इस तरह की बात फिर वहाँ पे मतलब होती है कि प्रथम बार आपकी जो चीज CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया M. हिदायतुल्ला ने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये भी एक फैक्ट के तौर पर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन मतलब किसने जो है एक राष्ट्रपति के तौर पर अपने पद को ग्रहण किया, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर अपने पद को ग्रहण किया, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। और कौन ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जज था जिसने अपने पद राष्ट्रपति के तौर पर अपने पद को ग्रहण किया ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बात करें अगर तो देखिए जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, VV गिरी ने अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष तत्कालीन जो उस समय लोकसभा अध्यक्ष थी ठीक उनको सौंपा था क्योंकि राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त था। जिसे आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति का पद जब रिक्त नहीं, जब राष्ट्रपति रहते हैं तो उपराष्ट्रपति जो अपना क्या करते हैं जो इस्तीफा तो किसे देते हैं राष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन जबकि वही जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति थे ठीक है, और राष्ट्रपति का पद क्या था रिक्त था।
राष्ट्रपति कोई था ही नहीं, तो फिर जब इन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो किसको दिया इन्होंने, इन्होंने दिया अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर राष्ट्रपति मतलब नहीं है, राष्ट्रपति पद खाली है, और उस समय अगर उपराष्ट्रपति किसी को अपना क्या देना चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहते हैं, तो किसको देंगे, तो फिर आप बताएंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देंगे। ठीक है, तो इस बात ये भाई एक तरह से फैक्ट है, जिससे भी आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आपका अच्छा वीडियो जिसमें हमने एक चर्चा की आपकी आर्टिकल 57 की बात की हमने, आर्टिकल 58 की बात हमने पहले ही कर रखी थी, आर्टिकल 59 की बात की, आर्टिकल 60 की बात की, और विभिन्न प्रकार से हमने देखा कि कैसे शपथ ग्रहण होता है और राष्ट्रपति के पद की पदमुक्ति कैसे होती है, फिर रिक्ति होने के केस में कौन कौन पद को पहले सुशोभित करता है, इन सब बातों को हमने देख लिया। अब हमने ये देखना है कि भाई अगला जो हमारा जो आर्टिकल होगा वो होगा आर्टिकल 61, जो कि एक दिखाता है महाभियोग की प्रक्रिया कैसी रहेगी, उसके बारे में बात करता है। तो हम देखेंगे अगला अपने अगले आर्टिकल में महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, कैसे उसको चर्चा करेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो उसको एक समय देंगे हम, समय देकर उसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, ये रहा आपका आज की वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बताएं। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।